Third, in this video I am telling you about the masculine and feminine given in your syllabus. यहाँ पे बेटे आपकी masculine and feminine दोनों दिए हुए हैं. You have to do it on your copy and you have to learn it. Then we have the essay. Completely essay लिखा हुआ है. I've written the essay. बस क्योंकि it's my favorite teacher. तो everyone has its own favorite teacher. सबकी अपनी एक favorite teacher होती हैं. तो आप यहाँ पे जहाँ पे blanks दिए हुए हैं वहाँ पर अपनी टीचर का नेम और उनके सब्जेक्ट का नेम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं. जहाँ पे टीचर का नेम आना है वहाँ पर मिस लिखा हुआ है. सो डू राइट द नेम ऑफ योर ओन फेवरेट टीचर. देन वी हैव द एप्लीकेशन. और आप लोगों ने गिवन होमवर्क में जो एप्लीकेशन का पैटर्न दिया हुआ है इसी को ही फॉलो करना है और इसको लर्न भी करना है. देन इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग सारा कुछ आपको कम्प्लीटली यहाँ पर दिया हुआ है. वी हैव द लेटर. लेटर में भी इसका स्टार्टिंग दिया हुआ है. डेट इसमें मेंशन नहीं है. आप जब वो वर्क करोगे जब भी लेटर लिखोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली उसमें आपने डेट मेंशन करनी है. पूरा लेटर आपको गिवन हुआ है सॉल्व फॉर्म में है. और फिर एट द एंड जो आपको उसकी एंडिंग पार्ट दिया हुआ है उसको भी आपने एज इट इज़ ही फॉलो करना है.